गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णो गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणि परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः वन्दा गुरुपदकञ्ज कृपा महामोहतमपुञ्जे महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकरनिकरीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवागं पाणमहासयकचारुचापं नमामि रामं रघुवशनाथम् प्रणव पवन कुमा खलबन पावक ज्ञानगण जासुदयागार बसहि राम शर्चापदर रामचरितमानसविमल संतन जीवन प्रा आन को वेद सम नहीं प्रगट कुरान बन्दा तुलसी के चरण जय का कलिसमुद्रबुडतलो प्रगो सप्त जहा चेतन जग जीवजे सकल रामज बके पद कमल सदा जूरी युगप सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन हनुमान जी महाराज की जय मैया की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 सीता जय सिया जय भगवान भोजन कर तऊ अवसर पा बाजी चले कितव ददियो दन लपटा हाथ में आए हुए ब्रह्म हम जब भोग में एकाग्र हो जाए तो चपल चित से इधर उधर देखते हुए कब वो उठकर कर अंतर ध्यान हो जाए चले जाए पता नहीं भाई बहन हम ब्रह्म की और एकाग्रता सधीर है हमारी तो तो ब्रह्म हमारे साथ ही है नहीं तो हाथ में आया हुआ ब्रह्मांतर ध्यान हो जाता है बालचरित अति सरल सुहाए शारद शेष श्रुति गाए जिन कर मनैन सन नहीं राता जे जन वञ्चित के विदाता भय कुमार सबहि जब भ्राता दीन जने गुरु पितु माता गुरु गृह गये पठन रघुराई विद्या सब पाई। की सहज श्वास श्रुतिचारी सुहरि पडय कौतुकभारी विद्याविनयनि पूर्णगुणशीलाहि खेल, खेल सकल नृप लीला करतल बाण धनुषति सोहा देखत रूप चराचर मोहा जिन जन फिरहि सब भाई। थकित हो सब लोग सबलोगलगाय भोजन करत चपल चित ते उत अवसर पाए सियाराम बाजी चले किलकत वदन ददियो दन लपटाए सियाराम दिव्य बाल लीला परमात्मा की अति आनंदे शेष जी सरस्वती जी शिव जी वेद कोई भी पार नहीं पा सकता सब गाते र जो जीवात्मा का मन इसमें नहीं रम गया उस जन को तो परमात्मा ने विधाता ने ही अमूल्य अवसर से वंचित कर दिया भय कुमार सबई जब भ्राता सब चारों भाई जब कुमार अवस्था में आ गए अब यज्ञोपवि संस्कार हो रहा है दिन जनेऊ पितु माता सदगुरुदेव भगवान माता पिता मिलकर चारों लाल को यज्ञोपवी संस्कार कराते हैं अपनी परंपरा भारतीय संस्कृति सात साल पे यज्ञोपवी संस्कार हो जाने पर बाद में ही पाँच साल सात साल और फिर बाद में ही विद्या ग्रहण करने हेतु गुरुद्वार पे भेजे जाते थे बालक को स्वावलंबी बनाना है व्यवस्थित संस्कारी बनाना है तो भगवान श्री राम जी गुरुग्रह पढ़ने गए हैं कृष्ण जी गुरुग्रह सांदीपनि जी के आश्रम पढ़ने गए हैं इकलौता बेटा है कैसे हमारी आँखों से दूर करें नहीं माताएं ज्यादा ममता से लाड से बालक को बिगाड़ती है उस गुरुग्रह पे बच्चा तैयार हो जाता है स्वयं प्रभु भी गुरुग्रह गए पढ़न रघु जब से गुरुजन घर पर पढ़ाने आने लग गए ना तब थे गुरुजनों की महिमा खत्म हो गई परंपरा ये है कि शिष्य को अध्ययन हेतु गुरु के पास जाना चाहिए तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराय थोड़ा समय में सारी विद्या प्राप्त कर ली जिनके सांसों में चारों वेद रम रहे वो प्रभु पढ़ने गए ये एक आश्चर्य जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सोहरी पढ़िया कौतुक बारी एक खेल है एक लीला है परमात्मा बिहार में एक दिन प्रसंगोपाशद गुरुदेव भगवान ने कहा भाई मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं केवल दो किताब पढ़ा हूं अब शुरू से ईश्वरीय भाव रहा तो उसी वक्त चिट्ठी लिख के मैंने ये चौपाई दी कि प्रभु आप दो किताब भी क्यों पढ़े ये भी आश्चर्य की बात है आपको तो ये भी जरूर नहीं है जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सोहरी पढ़िया कौतुक भारी जिसका जैसा भाव सदगुरुदेव भगवान ने मन मन मुस्कुराते हुए मस्तक ऐसे में भर बर, के और भाव स्वीकार किया जिनके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैस तो जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सोहरी पढ़िया कौतुक भारी विद्या विनय निपुण गुण शीला खेल खेल सकल रूप लीला विद्या में विनय में सभी प्रकार से गुणवान निपुण है वो परमात्मा आज बाल लीला में राज रमत राज खेल कर रहे हैं और करतल बाण धनुषति सोहा छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी धनुया और बाण सुशोभित हैं देखत रूप चराचर मोह अद्भुत अलौकिक जाखी चर अचर सभी जीवात्मा उसमें मोहित हो जाते हैं चारो शील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर राम चारो लाल रूप गुण सुशील के धाम है लेकिन अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान राम तो कुछ अलग ही है जिन भी थिन फिर ही सब भाई जिन इन गलियों में से चारों भाई निकलते हैं थकित तो हो ही सब लोग लुगाई मारवाड़ी शब्द लोग लुगाई सब ऐसे के ऐसे देखते रह जाते हैं क्या हा ये अद्भुत अलौकिक झाँकी है कौशलपुर नर नारी वृद्ध रुबाल प्राण होते प्रिय लागही सब कह राम कृपा प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम ये सबके प्राणों के प्राण प्राणों से भी प्यारे सबको लगते हैं सब एक ध्यान से देखते रह जाते दर्शन करते थकते नहीं उनके नेत्र वहाँ से हटना नहीं चाहते कौशल नर नारी वृद्ध अरु बाल चाहे छोटे हो बड़े हो नर हो नारी हो परमात्मा प्राणों से भी प्यारे बन गए ऐसे गुणवान ऐसे रूपवान ऐसे शीलवान बलवान प्रभु किसको प्यारे नहीं लगेंगे बल बलों के बड़ों बड़ों के मन को हर लेने वाले प्रणु ते प्रिय सब कह राम कृपाल अनुज सखा सेह बुल वन मृगयानि तेल पावन मृग मारहि जिय जानी दिन प्रति नृपही दिखाव मृगबाण राम के मारे

सुनहि मन सुन मनलाई आप कहै अनुजहि समु प्रात काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता आय सुमांगि करहीं पुर काजा देखी देखि चरित रही मन राजा व्यापक कल निहज निर्गुण नामन रूप भगत हेतु तुना विधि चरित्र नूप तु सखा संग बुलाई भाइयों को मित्रगणों को साथ लेकर वन मृगया नित मृगया करने हेतु है प्रभु हैं भगवान निर्दोष मृगों को नहीं मारते पावन मृग मारे जिये जानी जो पवित्र है जो चाहते हैं कि प्रभु के बाण से हमारी मुक्ति हो जाए इच्छा करते हैं कि प्रभु अब तो आपके बाण के हम अधिकारी हो जाए आप हमें मारें पावन मृग मारें जी जानी और दूसरा भाव है कि मायावी राक्षसों को मृगों का रूप धारण करना सहज था आगे अरण्य कांड में देखते हैं मारिच मृग का रूप धारण करके आता तो अयोध्या की चारों और कुमार अवस्था में आ गए तो अपने राष्ट्र की रक्षा हेतु जो राक्षस मायावी रूप के रूप में घूमते थे उनको मारकर उनका उद्धार करते दिन प्रतिदिन रूप ही दिखावे आन पर और रोज पिताजी को लाकर दिखाते कि आज हमारे राष्ट्र की ओर इतने संकट आ रहे थे इतने को हमने मारकर अपने राष्ट्र को बचाया दोनों भाव हो सकते हैं जो भी भाव ले ले आप कई भाव मानस जी के निकलते हैं अकेले भोजन करते नहीं अनुज सखा संग भोजन करें छोटे भाइयों को बुलाकर और मित्रों को बुलाकर मेरे भाई बहन अकेले भोजन करना अपराध है आज तो घर घर में कलयुग का प्रभाव बहुत ही विचित्र परिस्थिति होती जा रही है एक भाई मौज कर रहे हैं एक भाई के यहाँ कुछ खाने का ठिकाना नहीं लेकिन ऐसा भगवान के यहाँ नहीं था अनुज सखा आज कितने बड़े बड़े राम भक्त अपने आप को कहलाते हुए भी ऐसी परिस्थिति देखी जाती है तब विचार आता है कि क्या रामचरित मानस जी पढ़कर यही आचरण लिया क्या यही जीवन में उतारा लेकिन कलयुग का प्रभाव अद्भुत है मेरे भाई में आज इसी बहाने सब छूट जाते हैं कि क्या करें कलयुग है, कलयुग का प्रभाव सबको असर होता बाकी प्रभु अकेले भोजन नहीं करते कोई भी चीज जो अकेले नहीं खानी चाहिए हमारे छोटे भाई भी वाली ने छोटे भाई सुग्रीव को मारकर सब कुछ लेकर भगा दिया रावण ने छोटे भाई को लात मारकर सही बात कहने पर हटा दिया भगा दिया लेकिन भगवान श्री राम जी के परिवार में ये नहीं है ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है अनुज सखा संग भोजन करें छोटे भाइयों को और मित्रों को साथ लेकर छोटे भाइयों को भगवान बहुत प्यार करते हैं इसलिए छोटे भाई फिर बड़े भाई का आदर करके सेवा भी करते हैं परस्पर है उत्तरकांड की चौपाए राम करही भ्रा पर प्रीति नाना भांति सिखावही नीति बहुत प्यार करते हैं और अनेक प्रकार से उनको नीति प्रमाणिकता सिखाते प्यार से क्या नहीं होता है प्यार से सब पत्थर भी पिघल जाते हैं तो मनुष्य तो क्यों नहीं पिघलेगा अवश्य असर होती लेकिन प्यार होना चाहिए केवल कर्तव्य या फर्ज निभा दी या हमारा ठीक है हमने कुछ कर दिया ऐसा नहीं प्यार और जहाँ प्यार है वहां दोष नहीं दिखाई देते अनुज सखा संग संगा अनुसर माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं विधि सुखी हो ही पूरे लोगा कर ही कृपा निधि सोई संयोगा जी वेद पुराण सुन ही मन लाई आप समु जा किस तरह से नगर नर नारी सब राजी रहे उत्साहित रहें ऐसा ऐसा वातावरण खड़ा करते ऐसा आचरण करते प्रभु सबको आनंद आनंद कराते हैं आज भी कई व्यक्ति के आने से ही घर में आनंदित वातावरण हो जाता है और कोई अति क्रोधी स्वभाव है धीर गंभीर है तो घर में आते ही सन्नाटा छा जाता है सब चुप होकर बैठ जाते हैं तब भगवान श्री राम जी जे विधि सुखी हो ही पूरे लोगों करें कृपा निधि सोई संयोग ऐसे संयोग खड़े करते हैं जिस प्रकार से सब राजी रहें जिस प्रकार से सब सुखी रहें और गुरुजनों के पास वेद पुराण की कथा मन लगाकर सुनते हैं सुनी हुई कथाएं कंठस्थ हो जाए याद रह जाए पक्की हो जाए रात को विश्राम करते अपने भाइयों को खुद वो सुनी हुई कथा सब सुनाते हैं एक बार सुनी हुई बात हम औरों को भी सुना, तो हमारा पाठ पक्का हो जाता है तो वेद पुराण सुनई मन लाई मन लगा कर सुनते हैं केवल शरीर से बैठकर नहीं मन लगा कर वेद पुराण सुनहि लाई आप कह अनुजहि समजय प्रात काल उथि केरगु ना मातु पिता गुरु माथा आय सु मांगी कर ही पूरे काजा देखी चरित हर खही मन राजा मेरे भाई बहन प्रातः काल उठ के जो गुरुग्रह में अभ्यास किया मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव ये केवल रट लिया उपनिषद के श्लोक ऐसा नहीं आचरण में डाला है प्रातःकाल उठ के बड़े को गुजर को प्रणाम करेंगे हम करेंगे तो हमारे बालक भी सीखेंगे और हम ही नहीं करेंगे तो हम अपने बालकों से क्या अपेक्षा रख सकते हैं बच्चे तो जैसा देखेंगे वैसा करना सीखेंगे तो प्रात काल उठ के रघुनाथा मात तो पिता गुरु ना वहीं माथा आयुष मांग करें पुर का पिताजी की आज्ञा लेकर नगरी का जो भी कार्य संभालना वो करते हैं और देख देख कर महाराजा अति प्रसन्न होते हैं जो व्यापल व्यापक है अकल है अनि है भक्तों को सुख देने हेतु भगवान दिव्य लीलाएं कर रहे हैं भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनु ये दिव्य बाल लीलाएं कुमार अवस्था की लीलाएं अद्भुत है अलौकिक है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने खूब भाव से प्रेम से वर्णन किया अब आगे का चरित्र हमें गोस्वामी जी ले जाते हैं उस चरित्र को मन लगाकर सुने यह सब चरित कहा मैं आगे आगिल कथा सुन हूँ मन लाई विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसही विपिन शुभ आश्रम जानी तहाँ जपयोग यज्ञ मुनि करी अति मारी च डरही देखत यज्ञ निशाचर दावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि गादि तन मन चिन्ता व्यापि हरि मरहि न निशिचर पापि तब मुनि वर मन कि विचार प्रभु अवतरे ऊह रण महि यही मिस देखो प्रभु पद जायि करी बिनतिो दो भाई ज्ञान विराग सकल ना। सो प्रभु में देख भरि नैना य विधि करत मनोरथ जातन लागी बा करिम जन जल गए यह सब चरित मैंने वर्णन करके बताया बाल लीला का आगे की कथा मन लगा कर सुनो जंगल में विश्वामित्र जी संत ऋषि मुनियों के समय जप तप यज्ञ करते हैं लेकिन अभय नहीं है जीवन में अभय नहीं आया तो भजन भी क्या काम का देवी संपदा के लक्षण गीता जी सोलवा अध्याय उसमें पहला गुण बताया अभयम सत्व संशुद्धि जीवन में अभय आना चाहिए ऐसे समर्थ प्रभु की शरण में हम हैं फिर तो हे है है मन अब तो है चिंता काहे कि ऐसे समर्थ सदगुरुदेव भगवान मिल गए मन अब तो है चिंता काहे कि तेरे सिर पर गुरु महाराज ऐसे सामर्थ भगवान का हमारे मस्तक पर वरद हस्त फिर हमारा कौन कोई बिगाड़ सकेगा ऐसा अभयता हमारे में आनी चाहिए लेकिन जो भयभीत रहते हैं तो पूर्ण शरणागति नहीं है या तो विश्वास नहीं है अपने सामर्थ्यवान रक्षक रक्षक पे अभय तो बहुत जरूरी तो गादी तन मन चिंता व्यापी हरी भी नुम निशिचर पापी तो मारीच और सुबह उसे बहुत ही डरते रहते हैं तहाँ योग यज्ञ मुनि करी अति मारीच सुबह ही डरी देख यज्ञ निशाचर धावई करे उपद्रव मुनि दुख पावे स्वाहा का ध्वनि सुनाई दे आकाश में धुआं दिखाई दे मारी सुबाह अपनी सेना को लेकर दौड़े चले आते हैं यज्ञ विध्वंस करते हैं बहुत ही उपद्रव करते हैं ऐसा सब वातावरण देखकर कर गाधी महाराजा के बेटे के मन में बहुत ही चिंता हुई अब पहले तो चौपाई में गोस्वामी जी ने लिख दिया विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी महामुनि है ज्ञानी है बसे विपिन शुभाश्रम जानी और ज्ञानी है तो ज्ञानी को चिंता कैसी और चिंता करे तो वो ज्ञानी कहाँ के तो चिंता की इसलिए लौकिक परिचय दे दिया गाधी महाराजा के बेटे को चिंता हुई वरना ज्ञानी महापुरुष साधु संतों को ऐसे लौकिक परिचय नहीं दिया जाता उनकी जाति नहीं पूछी जाती है जाति ने पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान कोई साधु संतांगन में आ जाए तो हम ये थोड़ी पूछते हैं कि आपकी सरनेम क्या है आप कौन सी जाति के हैं आपका गुरुद्वारा कौन सा है आपका आश्रम कहाँ है यही तो पूछा जाता <coughs> तो गा चिंता की तो गाधी तन मन चिंता व्यापी विचार कर रहे हैं हरिबिनु मरहिन निश्चर पापी भगवान की कृपा के बिना भगवान की सहायता के बिना ये राक्षसों से हम छुटकारा नहीं पा सकते तब मुनिवर मन की न विचारा प्रभु अवतारे ऊ हरण मही बारा नेत्र बन के ध्यान में देख लिया विचार कर रहा भूमि का भार उतारने वाले प्रभु का अवतार हो चुका है यही मिस देखो प्रभु पद जाए चलो इस बहाने मैं जाता हूँ अयोध्या प्रभु के दर्शन हो जाएंगे करी बिनतियाँ नो दो भाई बिनती करके अनुनय विनय करके दोनों भाइयों को ले आऊँगा दोनों भाई कैसे ज्ञान विराग सकल गुण है ना ज्ञान और वैराग के भंडार है सो प्रभु मैं दे परम नैना परमात्मा के मैं नेत्र भर के दर्शन करूँगा जात नहीं बार अनुज समय तुरंत ही वहां से रवाना हुए ज्ञान विराग सकल गुण ना सो प्रभु मैं दे नैना यही विधि करत मनोरथ जात न लागी बार जन सरयू जल गए भूप दरबार रवाना हुए अयोध्या पहुंच गए सरयू जल में स्नान करके तुरंत महाराजा दशरथ जी के दरबार की ओर आगे बढ़ते जा रहे कई लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि भई ये किसी के यहाँ जाए तो स्नान करके नहीं जाना चाहिए असगुन मानते हैं कोई भी संत महात्मा तीर्थ जल में स्नान किए बिना थोड़ी रह सकते हैं और ये ज्ञानी महापुरुष है त्रिकाल संध्या करने वाले सुबह से निकले दोपहर का समय संध्या वंदन का समय हुआ फिर साधु वो है सदगुरुदेव भगवान कहा करते कि साधु वो है जो गृहस्थ का पूरा ध्यान रखे कि हमारी ओर से गृहस्थ को ज़्यादा तकलीफ ना हो तो दोपहर का समय है स्नान संध्या वंदन करके सरयू तट पर और फिर महाराजा के दरबार में जाए सीधे भोजन का समय हो जा कई भाव मिलते मेरे भाई बहन जो भी हो गए भूप दरबार मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गया प्रसमा दंडवत सन मानी निज आसन बैठा रू चरण पखारि कीन अति पूजा मोसम आज धन्य नहीं दूजा विविध भाति भोजन करवा मुनिवर हृदय हर शति पावा पुनि चरणन मेले सुतचारी रा म देखि मुनि देह विसारि भय मगन देखतमुख शोभा जनु चकोरपूरणशि लोभा तब मन हरखी बचन कर राऊ कृपा कीन नहीं काऊँ के कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सुकर तन लाऊ बारा असुर समूह सतावही मोही मैं याचन आयु तुई तो अनुज समेत देहु रघुना था निशिचर वत में हो वसना था मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गय ले विप्र समाजा महाराजा दशरथ जी ने कानों से सुना विश्वामित्र जी पधार रहे महामुनि हमारे द्वार पधार रहे हैं। मेरे को मिलने जाना चाहिए सामने लेने गए मिलने गए अकेले नहीं मिलने गए विप्र समाज ब्राह्मणों को साथ में लेकर अब रास्ते में मिले हैं खड़े खड़े जय आराम कर लेते तो चलता लेकिन मुनि जी को देख कर दंडवत प्रणाम कर दिए करी दंडवत मुनि ही सम्मान धूल दूषित मेरे वस्त्र हो जाएंगे मेरे अमूल्य वस्त्र बिगड़ जाएंगे कोई चिंता नहीं करी दंडवत मुनि सन्मानी अब दंडवत करेंगे रास्ते में सो जाएंगे तो रास्ते में थोड़ी गलीचे पथरे हुए बिछाए हुए थोड़ी है गलीचे मिट्टी तो है ही है तो करी दंडवत मुनि सन्मानी और द्वार में राजभवन में ले जाकर खुद नीचे बैठ गए निज आसन बैठा रहे आन ये भाव है ये साधु संतों के प्रति आदर है हमारे हृदय का जैसा भाव ऐसे साधु संत हम पर प्रसन्न होते हैं वो भाव के भूखे हैं वो कोई चीज वस्तु के भूखे नहीं है हमारा आचरण कैसा है हमारा उनके प्रति मनोभाव कैसा व्यक्त हो रहा है वैर प्रेम नहीं दुरे दुराए जो छुपा नहीं रहता है। ठीक है खड़े खड़े जैसी आराम करते तो भी चल जाता लेकिन भाव तो मन का प्रकट हो जाता मालूम हो जाता इतना भाव है खुद नीचे बैठ गए और अपने आसन पर उन भाव से प्रेम से उनकी पूजा की है अपने भाग्य की सराहना की मेरा जीवन धन्य हो गया आज बिना बुलाया आज हमारे द्वार पर आए सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल मंगल दमनु से स्वामी के यहाँ सेवक सेवक बिना सेवक के बिना के यहाँ स्वामी बुलाया आ जाए तो मंगल ही मंगल है उसका मंगल का नाश हो जाता है आज बिना बुलाए आप किसी के द्वार बिना बुलाए कभी जाते नहीं हैं फिर पास में बैठकर कर विधविध प्रकार की सामग्री लेकर प्रेम से भोजन करवाया ये नहीं कि जंगल के रहने वाले हैं के केले भेज दो थोड़ा सेब भेज दो थोड़े फल भेज दो महाराज को जितना अनुकूल होगा ले लेंगे नहीं विविध भांति भोजन करवा पास में बैठकर आज हमारे राज के मेहमान आप हमारे राज में पधारे हम धन्य हो गए पास में बैठकर आग्रह से प्रेम भाव से भोजन कराते और बाद में चारों लाल को बुलाकर चरणों में प्रणाम कराते हैं कोई साधु संतांगन आए तो पहले उनको आने दीजिए आसन दीजिए बैठने दीजिए उनका सेवा स्वा, स्वागत सर सत्कार कीजिए थोड़ा विश्राम करें जलपान करें भोजन का समय तो भोजन करें बाद में परिवार के सदस्यों को बुलाकर एक के बाद एक धीरे से वंदन प्रणाम करना चाहिए आते से ही हम पच्चीस व्यक्ति का परिवार दरवाजे में उनके चरण में गिरते रहे गिरते रहे उठे भी नहीं और उनको अंदर आने भी न दें ये अविवेक कहलाता है हमें इस प्रसंग से बहुत ही सीखने को मिलता है कि कोई साधु संत सदगुरुदेव हमारे द्वार पधारें तो क्रमानुसार हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए पहले उनको आसन दिए भोजन कराए बाद में पुण्यचरणन में ले सुतचारी भगवान श्री राम जी के दर्शन करते करते तो विश्वामित्र जी देह की सुदबुद भूल गए चारों अति सुंदर है लेकिन भगवान श्री राम जी का विशेष है देह विसारी भय मगन दे मुख शोभा जनु चकोर पूरण शशि लोभा जैसे चकोर चांद की ओर से दृष्टि हटाना नहीं चाहते वैसे भगवान के श्री मुखारविंद से विश्वामित्र जी के नेत्र हटना नहीं चाहते अति भाव में डूब गए, प्रेम भाव से उनके मुखारविंद का पान कर रहे तब मन हर्षि वचन कर राहू तब राजी होकर महाराजा दर्शन जी ने कहा हे मुनिदेव ऐसी कृपा तो आपने कभी न की बिना बुलाए आप कभी किसी के द्वार नहीं जाते आज आपके आगमन का कारण क्या है और मीठा इशारा किया विश्वामित्र जी ने कि आपके राज्य की सीमा में हमारा आश्रम पड़ता है आपका कर्तव्य है कभी आप हमारे आश्रम आओ हमारे सुख दुख जानो पूछो हमें कोई सहायता के लिए बोलो आप अपना कर्तव्य अपनी नीति चुके हो तो आज हमारे सामने से आपके द्वार पर आना पड़ा है आप जो कुछ कहें मैं आपकी सेवा में तैयार हूँ असुर समूह सतावई मोही मैया मैं आए उन राक्षसों के समुदाय हमें जब तक यज्ञ नहीं करने देते हैं सता रहे हैं। हम आपके पास याचना करने आए हम भारत के ऋषि कभी किसी के पास याचना नहीं करते हैं लेकिन आप अपना हुए भूले तो हमें याचना करने तो आना पड़ा आप कहिए जो सेवा में हम तैयार है हमें आपका धन खजाना आपका कुछ सेना वगैरह नहीं चाहिए अनुज समेत देहु रघुनाथ छोटे भाई समेत रघुनाथ जी को दे दीजिए निश्चर वध में हो सनाथा प्रभु के साथ बिना ब्रह्म के मिलन बिना जीव मात्र अनाथ है आज ब्रह्म के मिलन से मैं सनाथ हो जाऊंगा अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर वध में हो सनाथा देहु भूप मन हर्षित तजु मोह ज्ञान धर्म सुयश नृप तुम इन कहति कल्याण बात सुनते महाराजा दर्श जी का मुख थोड़ा उदास हो गया राजी होकर दो महाराजा आपको सुयश मिलेगा बालकों का कल्याण हो जाएगा आप उदास मत हो आप राजी होकर दो हम विश्वामित्र जी छोटे भाई समेत रघुनाथ जी की मांग कर रहे हैं मांग मांग के ऋषि मुनि भी ब्रह्म की ही चाहना करते हैं ब्रह्म आपके घर पधारे हमें ब्रह्म से मिलना हमें ब्रह्म का साथ चाहिए हमें ईश्वर का साथ चाहिए यही उनकी मांग है अब वो मांग कल पूरी करेंगे आज इतना ही कुलगुरु वशिष्ठ जी से अब उन्हें समझाएंगे और उसके बाद महाराजा दस जी एक भी शब्द बोले बिना अपने लाल को सौंप देंगे पहले तो साफ साफ मना कर देते हैं सारे पुत्र प्राण समान प्यारे उसमें राम तो अधिक प्यारे नहीं दूंगा लेकिन गुरुदेव के आदेश अनुसार बाद में एक शब्द बोले बिना सौंप देंगे उस प्रसंग में कल प्रवेश करें विश्राम जय सिया